स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों आज के नए ब्लॉग में। और शायद ये ब्लॉग कुछ दिन के बाद आ रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। और आज का ब्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और थोड़ा सा ब्लॉग आज बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही मजा आने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी लोग बहुत ठीक होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा दोस्तों, इसी तरीके से सपोर्ट करिएगा। और सबसे पहले आप लोग से बता दूं कि हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। तो आज जो होगा, दिवाली का सीजन चल रहा है तो कुछ धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम लोग चीज बनाएंगे वो है फ्यूज कंडक्टर। जी हाँ, तो फ्यूज कंडक्टर तो नहीं बनाएंगे लेकिन हम लोग फ्यूज ट्रिगर जरूर बनाएंगे। फ्यूज ट्रिगर बनाने के लिए हमें इस तरीके का एक खराब पड़ा हुआ बल्ब चाहिए होगा जो कि पूरी तरीके से खराब हो गया, और इसके अंदर का नाइट्रोन वायर जो होता है वो हम लोग निकाल लेंगे। और हमें इस तरीके का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्विच चाहिए होगा दोस्तों। और हमें एक बैटरी चाहिए होगा जिसे हम लोगों ने पहले से ही चार्ज कर लिया है, और टेप चाहिए होगा, और उसी के साथ एमसेट बॉन्ड चाहिए होगा और कुछ तार चाहिए होगा। तो चलिए दोस्तों कुछ धमाकेदार करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें फ्यूज ट्रिगर बनाने के लिए इस बल्ब के अंदर जो नाइक्रोम वायर है, जैसा कि आप बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे, उसे बाहर सेफ्टी से निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसे बाहर निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आप लोग से बता दूं कि इसमें जितने भी स्टंट किए गए हैं, प्लीज़ इसे घर पे दोहराने की किसी भी तरीके से कोशिश मत करिएगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे। इसमें नाइक्रोम वायर को निकालने के बाद दोस्तों इस बैटरी के ऊपर हम लोग ये ट्रिगर कुछ इस तरह से एमसील बॉन्ड से फिक्स करेंगे और इसकी वायरिंग करके इस वायर के जरिए इस वायर के लास्ट छोर पे हम नाइक्रोम वायर को ऐड करेंगे, जो कि यहाँ से कुछ इस तरीके से प्रेस करने पे हमारा ट्रिगर काम करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले ट्रिगर बनाते हैं और देखते हैं क्या ये सक्सेस होता है कि नहीं हो पाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने ये बल्ब को बहुत ही ध्यान से तोड़कर, एक मिनट आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ, तो तोड़कर इसमें नाइक्रोम वायर को बाहर निकाल लिया है, और इसे आप घर पर दोहराने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा और इसे रख देते हैं यहाँ और चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हम एमसील बॉन्ड को निकाल लेते हैं। और इसे लगा देंगे हम यहाँ बैटरी के ऊपर, जिसके अंदर हम फिक्स करेंगे दोस्तों इस ट्रिगर को। और जब तक दोस्तों हमारा बैटरी और ट्रिगर सूख रहा है, तब तक हम इसमें से ध्यान से नाइक्रोम वायर को निकाल लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये रहा नाइक्रोम वायर। हमें इसका अब कोई काम नहीं दोस्तों, तो इसे रख देते हैं साइड में और वायर को खोल लेते हैं। और पूरे तार को खोलने के बाद इसके एजेस को हम बढ़िया से छील लेते हैं इस तरह से दोस्तों, और कनेक्शन समझा देता हूँ। इन दोनों वायर में आगे की तरफ हम नाइक्रोम वायर जोड़ेंगे और पीछे की तरफ हम अपना ट्रिगर अटैच करेंगे।
तो वायरिंग करने के बाद आप लोग से मिलते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपना फ्यूज बना लिया है और फ्यूज को कुछ इस तरह से बनाया है। आगे की ओर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हम लोगों ने नाइक्रोम वायर को एक माचिस की तीली पे अटैच किया है, जिससे जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो नाइक्रोम वायर गर्म होने की वजह से ये फायर स्टिक जल जाएगी और जिससे हमारा ट्रिगर काम करेगा। तो सबसे पहले आपको एक बार हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि हमारा स्टिक किस तरीके से काम करता है, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पावर बैंक का यूज़ किया है, क्योंकि हम लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी वो बहुत ही कम वोल्ट की मिल रही थी, जिसके लिए हम लोगों ने इसका यूज़ किया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिगर आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और इसी वीडियो का पार्ट सेकंड बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, जिसमें हम इसी ट्रिगर से, जो कि हमने आज बनाया है वीडियो में, उसी ट्रिगर की हेल्प से एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार बम बनाएंगे और जिसको हम लोग उड़ाएंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।